सो गाइस, ये जो बात आपने काफी लोगों से सुनी होगी कि अर्जुन भाई जो काफी ज्यादा हम्बल है, मतलब बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है भाई, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, जीरो एटीट्यूड वाले बंदे। और इस बारे में गाइस यार मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, मतलब भाई कोई भी वो क्रिएटर से बात करते हैं तो भाई वो क्रिएटर हमेशा ये चीज कहते हैं भाई अर्जुन भाई बहुत ज्यादा हम्बल है, बहुत ज्यादा काइंड है, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। पर गाइस क्या आपने कभी सोचा कि अर्जुन भाई खुद के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब कि भाई उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि भाई उन्हें लगता है उनके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। एक चीज़ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उज्ज्वल यू आर वेरी यंग एंड यू अचीव्ड क्वाइट अ लॉट। आई मीन 2.2 करोड़ कुछ लोग आपको फॉलो करते हैं, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। एंड एक यंग एज पे इतना सब अचीव किया एंड यू स्टिल रिमेन वेरी हम्बल। How do you do that, man? कैसे हमें लगा कि how are you so jolly? मेरे को तो लगता है मेरे में एटीट्यूड आ गया, सही बता रहा हूँ। मेरे को पता नहीं, सब लोग यही कहते हैं कि चल भाई हम्बल है, बट कभी कभार पता नहीं है कैसे, इसका कोई आंसर ही नहीं है मेरे पास। ये काफी जरूरी है। मैं कभी कभार हल्का सा भी कुछ कर देता हूँ, किसी को बोल देता हूँ, मेरे को लगता नहीं यार एटीट्यूड नहीं बोलना चाहिए था इसका। ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उन्हें रिग्रेट होता है खुद की बात पर। तो यार यहाँ पर तो अर्जुन भाई की हम्बलनेस को ज्यादा बढ़ते जा रही है। मतलब यार मुझे तो रास्ता कहीं पर दिखा नहीं उन्होंने किसी क्रिएटर को उल्टा सीधा कह दिया। हाँ बस यार कभी कभार फन में यार कुछ ज्यादा बोल जाते हैं तो भाई उस पर यार ऐसा थोड़ी होता है कि भाई उसको सामने वाले को बुरा लग गया। मतलब यार जब अर्जुन भाई ने तन्मय भट्ट के साथ करा था कि भाई 20 मिलियन, 22 मिलियन, जब तक 23, 24, भाई तब ऐसा थोड़े कि ऐसे लग रहा है भाई सामने वाले में एटीट्यूड आ गया, ऐसे कैसे बोल रहा है भाई, फन के लिए होता है ये सब। मतलब यार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं पर तुम पीछे मत पड़ जाओ, वहाँ पर अर्जुन भाई को रिग्रेट हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस तुम। वैसे गाइस ये जो पैसे के साथ जो एटीट्यूड नाम की चीज है ना यार, फ्री में आती है। मतलब भाई जिसके पास पैसे आते हैं तो भाई घमंड उसके साथ फ्री में आता ही आता है। वो यार वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अपने को घमंड लेना है, अपने को एटीट्यूड लेना है या फिर नहीं लेना। अगर लेते हैं तो भाई अपन उल्टा डूब जाते हैं, अगर नहीं लेते और ऊपर चले जाते हैं, भाई ऐसा ही चलता रहता है। सो बस गाइज आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप गाइज आपके लिए जो वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही है तो भाई इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करना इस अमेजिंग वीडियो को, और भाई अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लो, बेल आइकन दिया उसको भी यार ऐसे पकड़ लेना।